तो आरबीआई ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है कि वह लिंक करेगा स्पेसिफिक लोन को जो उसने कैश रिजर्व रेशियो में हेल्प किया है। अगला कदम आरबीआई क्या है कि वह अब कोई इट नो लॉन्गर हैव ए फिक्स रेपो रेट ऑक्शन ऑन द डेली बेसिस एंड वुड मूव टू द टारगेटिंग द वेटेड एवरेज कॉल रेट। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि आरबीआई ने डेली बेसिस पे रेट को ऑक्शन करने बजाय एक वेटेज एवरेज कॉल रेट को फिक्स कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन, एक नोवेल कॉन्सेप्ट आरबीआई ने लिया है जहां पर बैंक बोरो कर सकते हैं मनी को एक फिक्स पीरियड पे एक लंबे दौर के लिए। नेक्स्ट, इससे क्या हो रहा है कि बैंक के पास एक लंबे दौर तक मनी बोरो करने की सुविधा होगी। आरबीआई ने अपने इस पॉलिसी के इनोवेशन के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी। अब जब आता है सवाल कि आरबीआई ने वह कौन कौन से कदम, जिन कदमों से भारत की मौद्रिक नीति में परिवर्तन आया है, तो आप ये सारे सातों आठों पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक इशू क्या है कि इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो वाइडन हो रहा है, बढ़ रहा है। यह जो ट्रेड डिफिसिट है इंडिया वर्न क्यों हो रहा है, इंडिया का जो ग्रोथ एक्सपोर्ट का वो ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, और जो इंडिया जो कोविड 19 जो एक ब्रेक हुआ है, कोविड 19 के ब्रेक होने के कारण इंडिया को एशिया से एक जो ट्रेड का एक जो बैलेंस संबंध था वो कमजोर होना शुरू हो गया है। दूसरा, जो इंडिया का रुपी वीक हुआ है, जो रुपी का वीक होना भी भारत को मदद नहीं कर पा रहा है, एक्सपोर्ट का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो आउटलुक है यह इस वायरस के ब्रेक होने के बाद, इस वायरस के आ जाने के बाद, वह इंडिया के ट्रेड पॉलिसी के ट्रेड के फिगर्स में साफ साफ दिख रहा है। भारत का जो ट्रेड डिफिसिट है यह भारत को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि भारत नए सिरे से अपनी आयात और निर्यात नीति को समझने की कोशिश करे। यह तीसरी एक न्यूज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है 2014 में, वह 6 साल बाद भी वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने पूरे ढंग से हमारे सम्मुख नहीं आ पाई है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एक दृष्टिकोण है वह है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन सस्ती हो या फ्री में हो, उस एजुकेशन पॉलिसी के देखते हुए पिछले सालों में यह देखा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसकी मात्रा बहुत बढ़ी है और मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, कम बढ़ी। अगर हम फिगर से देखें तो जो एक गवर्नमेंट स्कूल है वह 2010-11 से 15-16 के बीच 1297 गवर्नमेंट स्कूलों की मात्रा बढ़ी है, उसकी तुलना में प्राइवेट स्कूलों की मात्रा बढ़ी है 77063। मतलब क्या हो रहा है, स्कूलों में इनरोलमेंट ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों में इनरोलमेंट कम हो रहा है। इसके लिए अगर यह समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम किस तरह से एजुकेशन को प्रसार करें, कैसी हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी ले आवें, कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है जो मामले में हमारा विस्तार कर सके। इसमें 3-4 सुझाव दिए गए हैं। एक सुझाव क्या दिया गया है कि एजुकेशन वाउचर इशू किया जाए, जो लोग एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं सरकार उनकी मदद करे। सरकार मदद किस तरह से करे कि सरकार उनको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दे, और जो भी लोग एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं सरकार उनको पैसा न दे, एजुकेशन वाउचर उनको दे। एजुकेशन वाउचर का फायदा क्या होगा, वह पैसा सिर्फ एजुकेशन पे खर्च होगा। अगर आपने पैसा कैश ट्रांसफर किया तो जो अपने यहाँ गरीबी की हालात है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उस पैसे का इस्तेमाल अपने जीवन की और आवश्यकताओं के लिए कर देंगे, और एजुकेशन वाउचर अगर देंगे तो वह जहाँ चाहेंगे वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हर स्कूलों में कंपटीशन डेवलप होगा अच्छी शिक्षा करने का, और उस अच्छी शिक्षा को प्रदान करने का फायदा क्या होगा
कि अगर स्कूल अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे तो एजुकेशन वाउचर मिलेगा, नहीं प्रदान करेंगे तो नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट स्कूलों की हालात अच्छी नहीं है। सारे सरकारी अफसरों को, कर्मचारियों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए अपने सरकारी स्कूल में भेजें। उसका फर्क क्या होगा कि चूंकि सरकारी स्कूल राज्य सरकारें चलाती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वही सरकारी स्कूल चलाता है, तो अगर उसके बच्चों को इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि वह सरकारी स्कूल पढ़े तो सरकारी स्कूलों को बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे। यह तीन चार तरह की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके के हम एजुकेशन को विस्तार कर सकते हैं। अभी इस पूरे आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ाते अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सवाल आएगा, जहां आपका दृष्टिकोण पूछा जाएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक आपने आंसर किया, जहां आपका दृष्टिकोण आएगा किस तरह से हम एजुकेशन का विस्तार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, यह तीन चार पॉइंट आप लिख सकते हैं कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है और वहां पर सरकारी स्कूलों में छात्रों की तादाद बढ़ रही है, वो उसकी गुणवत्ता में सुधार आ रहा है। अगर आप ध्यान दें, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां की गुणवत्ता पर किसी भी तरह का ध्यान कोई सरकार नहीं दे रही है। गांव के स्कूल देखें तो गांव के प्राइमरी स्कूल चलते ही नहीं है। क्यों? वहां हफ्ते में एक दिन मास्टर आता है, बाकी दिन मास्टर आता ही नहीं है। सरकार इस बात पर कोशिश करे किस तरह से ज्यादा छात्र वहां आवे, ज्यादा से ज्यादा अध्यापक वहां पर जाकर पढ़ावे। तो ये चार पांच तरह जो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी का सवाल लिखा है, उसको आप उसका जवाब लिख लें। अगर नहीं, चूंकि शायद नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था, आई कैन रिपीट इट अगेन। आई अगेन एम्फेसाइज ऑन वन इशू दैट डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस बाई मी एज ए टीचर, कि जब एक टीचर सारा चीज पढ़ा दे और एग्जामिनेशन हॉल में वह आ जाए और फिर आप जवाब न दे पाओ तो टीचर क्या कर सकता है, सुझाव दो मैं क्या और करूं ताकि आपके परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आवे। आप लोग बोलते हो साहब जो पढ़ाते हो समझ आ जाता है, हम उसको लिख भी लेते हैं और वही एग्जाम में आता भी है, उसके बाद भी आप फेल कर जाओ तो उसके बाद का रास्ता क्या है, ये सोचना आपको रास्ता बताना। आई विल अप्लाई दैट मोड ऑल्सो। मैं फिर बोलता हूँ 31 मई को वही आएगा जो पढ़ाया गया है, पढ़ाए हुए से बाहर आने की संभावना ज़्यादा नहीं है। आपके पास होने के लिए पढ़ाया हुआ आ जाएगा, अगर आप उसको नहीं कर पाते हो तो उस मेरे पास क्या रह गया है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आपको क्वालिफाई करना ही होगा, नहीं तो 15 जुलाई को रिजल्ट आप फेल कर जाओगे, आपके पास इस वेंचर को छोड़ने के कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। एक जो प्रीलिम्स फेल कर जाएगा उसको मेंस पढ़ाने का कोई पॉइंट बताओ मेरे को ना, देयर इज नो पॉइंट। आई विल ट्राई टू सर्च फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द प्रीलिम्स फॉर द नेक्स्ट बैच, आई विल रिमूव ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों के साथ जो पढ़ाना था करना था मैं कर चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ और बचा नहीं रह गया मैं आपको पढ़ा सकूँ और कर सकूँ। जो अगली लॉट आएगी आई विल सर्च कि उसमें कोई आदमी पढ़ना चाहता है। राइट नाउ जो मेरी सर्च है बड़ी कन्फाइन हो चुकी है, मेरी सर्च कन्फाइन क्या हो चुकी है कि ऐसे लोग मिलें जिनको मैं पढ़ाऊं और वह जो एग्जाम में लिख के आ जाए, मतलब मेरी सर्च बहुत कन्फाइन हो चुकी है। अभी इशू पढ़ाने का भी नहीं रह गया है, इशू क्वेश्चन का भी नहीं रह गया है, जो पढ़ाएंगे वो सवाल आएगा ही आएगा, उसमें ना आने का कोई बड़ा प्रश्न नहीं रह गया है। सब बचा रह गया है कि ऐसे लोग मिले जो पढ़ लें और जाके एग्जाम में लिख लें, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हो एग्जाम में लिख नहीं पाते हो। ओनली रीजन ऑफ योर फेल्योर कि आप जो पढ़ते हो एग्जाम में लिख नहीं पाते हो। आपको कितना कंट्रोल किया गया, आपको कोई फालतू किताब पढ़ाई नहीं जाती है, आप वही पढ़ो जो आपके काम का है, आपको बेसिक बुक पढ़ने को कहा गया है, एडवांस बुक मैं पढ़ता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता हूँ, लेकिन आपसे वो हैंडल नहीं हो पा रहा है। इफ यू वांट टू विथ मी वर्क हार्ड, अदरवाइज फ्रॉम आफ्टर 15 जुलाई के बाद शायद मेरा और आपका साथ नहीं रह जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे और वह लोग मिले जो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर लिख सकते हैं, आप लोग लिख नहीं पा रहे हो। अब हाउ यू आर एबल टू राइट ऑन द हॉल आई डू नॉट नो। टेक केयर, गुड डे, आई विल सी यू टुमारो।